वेलकम टू अदर सिटी ऑनलाइन क्लास विच इज रिप्रेजेंटेड बाय देयर ऑनर मिस्टर राजवीर सिंह जी। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मोनोसियस और डायोसियस के बारे में। मोनोसियस क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल कंडीशंस के होते हैं, और जो डायोसियस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के होते हैं। जो मोनोसियस होते हैं वो क्या होते हैं? होमोथैलिक होते हैं, और जो डायोसिस रीजन के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोथैलिक। तो हेट्रोथैलिक डायोसियस का एग्जांपल हमने वॉल्वॉक्स लिया था, ह्यूमंस लिया था, और जो हमने मोनोसियस में लिया था वो हमने अर्थवॉर्म को लिया था रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वहां से हमारा गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है। गैमेट ट्रांसफर अब कैसे होता है वो यहां देखेंगे। गैमेट ट्रांसफर इन हायर प्लांट पॉलन ग्रेन आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट। हायर प्लांट में जो कैरियर होता है मेल गैमेट्स का वो कौन होता है? पॉलन ग्रेन होते हैं। और जो फीमेल की कंडीशन में होते हैं वो हम उन्हें बोलते हैं ओव्यूल एग सेल। दैट मीन कि यही दो कंपोनेंट होते हैं जो गैमेट ट्रांसफर पे डिपेंड होते हैं। पोलन ग्रेन मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा फैसिलेट फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि पोलन ग्रेन मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दैट मीन कि यहां पे देखिए एंथर ये है, ये पार्ट एंथर स्टामेन बोलते हैं। पहले तो ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम आपके लिए अलग नहीं है, पहले भी आपने टेंथ में देखा है इस डायग्राम को। पिस्टल कार्पेल एंड बोथ विथ इन फ्लॉवर इन एंगियोस्पर्म। जो बाइसेक्सुअली क्या होते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बाइसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं दैट मीन कि हम उनको किस कंडीशन में डालते हैं? मोनोसियस। मोनोसियस में अब हम यहाँ प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा एंथर पार्ट होता है ये क्या होता है? कुछ इस टाइप से ऐसे रिप्रेजेंट होता है, या फिर हम कह लें कुछ इस टाइप से। इसके फोर लोब होते हैं। तो यहां से अब ये एंथर पार्ट रहा है, ये रहा पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन क्या होता है? स्टिग्मा पे, स्टिग्मा के थ्रू पोलन ट्यूब में इंटर करता है। अब ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर, और नीचे का जो सपोर्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। बोथ दीज आर कंबाइंड टुगेदर, दे आर कॉल्ड स्टामेन। बोथ दीज पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड मेल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज नोन एज स्टामेन। अब फीमेल पार्ट पे आते हैं, तो फीमेल पार्ट का जो हिस्सा होता है वो पिस्टल से शुरू होता है। पिस्टल है, ओवरी है, पेटल्स है, एंड एग सेल्स है, एम्ब्रायो सैक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये हमारा है पिस्टल। पिस्टल के सहारे जब पोलन एंट्री करता है तो यहां से नीचे की तरफ ट्रेवल करते हुए ये ओव्यूल के पास में पहुंचता है। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अब ये प्रोसेस जो यहां से यहां पहुंच रहा है, अब यहां पे पोलन अगर आया तो ये जो प्रोसेस हुआ यहां से, अगर छोटा सा हम बनाएं स्टिग्मा को इस तरीके से दिखाएं, ये हमारा स्टिग्मा पार्ट है, और जैसे ही पोलन यहां पे एंट्री किया तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। जैसे ही स्टिग्मा से एंट्री किया पोलन ने तो प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। और एंथर पार्ट से पोलन क्या हो रहा है? निकल रहा है, एंथर निकल रहा है। तो हम इसको आगे की तरफ जैसे ही लेके जाते हैं तो देखते हैं कि जो प्रोसेस यहां से यहां तक, जैसे जैसे पोलन एंट्री किया तो ये प्रोसेस पोलिनेशन हुआ। यहां पे पहुंच करके जैसे ही फर्टिलाइज कंडीशन में आया तो हम इसको बोलते हैं प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। यहां पे देख लीजिए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा तक जब पोलन ट्रेवल करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यानी यह प्रोसेस स्टिग्मा तक गया, ये यहां से ट्रेवल करके पोलन ट्यूब के सहारे जैसे ही नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा वैसे ही हम इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन।
आगे की तरफ पोलिनेशन में भी सेल्फ सेल्फ हो सकता है। सेल्फ कैसे होगा, जब वाइंड डिस्पर्सल शुरू होगा, वाइंड उस पर फोर्स करेगी तो वो हिलेगा, जब फोर्सली हिलेगा तो पोलन निकल करके इंट्री में आ जाता है स्टिग्मास के सहारे, तो ये होता है सेल्फ पोलिनेशन। अब दूसरा एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे वो जाता है तो हम बोलते हैं इसको पोलिनेशन इन सेम फ्लावर, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन। अब सेकेंड में क्या होता है, क्रॉस हो जाता है, दैट मीन कि ये फ्लावर का जो पोलन है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पोलिनेट कर दिया तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम रेस्ट फ्लावर टू अनदर फ्लावर, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे किया गया क्रॉस ही क्या होता है हमारा, क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है। अब यहां पे लिखा है कि एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, दैट मीन कि अलग फ्लावर पे। अब पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब दैट डिराइव द मेल गैमेट्स, क्या करता है यहां पे देख लीजिए, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा पे क्या करते हैं, जर्मिनेट करना शुरू करते हैं तो टू प्रोड्यूस डेवलप करते हैं किसे, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब एंड दैट डिलीवर्स दैट मेल गैमेट नियर द ओव्यूल। तो ये जैसे ही स्टिग्मा पे पड़ा तो यहां से क्या करता है, पोलन ट्यूब के सहारे नीचे जाता है और ओव्यूल में जो फीमेल गैमेट्स है उसके साथ में क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है, ओव्यूल में ही क्या होता है इनका फिर फॉर्मेशन फिर से शुरू हो जाता है, फिर से पोलन मेच्योर होकर के वहां से निकलते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है गैमेट ट्रांसफर, आप देख लीजिए कहीं कोई समस्या आ रही है, एनी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, ऑन व्हाट्सएप मेरे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लीजिए। नाउ अगेन जो हमारा दूसरा इवेंट है उसे डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशंस।